हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोतीचूर लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हम कोई झारा यूज नहीं करेंगे। तो बस एक दूध का पैकेट से एक परफेक्ट जूसी मोतीचूर लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट जूसी मोतीचूर लड्डू मैंने बनाया है, वो भी बिना झारे की और एक बेसिक से टूल के साथ। तो चलिए हम फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें पहले बूंदी बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बाउल में मैंने एक कप बेसन लिया है, पूरा भर के मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, और साथ ही में मैंने एक चुटकी जैसा लिया है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ में आप पानी बिल्कुल भी मत डालना, नहीं तो हमारे जो बैटर में लम्प्स आ जाएंगे, इसलिए हम बैचेस में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस बैटर बिल्कुल स्मूथ बन गया है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोतीचूर लड्डू में जो दाने होते हैं बूंदी के, वो बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप के होते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बैटर भी हमें चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि बैटर का कंसिस्टेंसी परफेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, एक स्पून मैंने डिप करके बैटर में उठाया ऊपर, तो आप देख सकते हो बैटर का एक पतला सा लेयर स्पून के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है मोतीचूर लड्डू के लिए। अगर स्पून के ऊपर थोड़ा सा मोटा लेयर आता है बैटर की, तो इसका मतलब आपको और थोड़ा पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बूंदी बनाने के लिए हम आज यूज़ करेंगे एक नॉर्मल सी दूध का पैकेट। इसे मैंने धो दिया था दूध निकाल के, और इसका एक साइड से मैंने इसे कट कर दिया है। खाली नमक का पैकेट भी आप यूज़ कर सकते हो इसके जगह, या फिर रवा हो या फिर मैदा हो, किसी का जो खाली पैकेट, इस तरीके की जो जिसका पैकेजिंग रहता है, आप उसी पैकेट को यूज़ कर सकते हो बूंदी बनाने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम बैटर भरेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दूध का पैकेट को एक ग्लास के अंदर रख दिया है, ताकि हमें बैटर डालने में ईजी होगा। तो बैटर को डालने से पहले हम अच्छे से उसे फेंट लेंगे एक बार, फिर हम बैटर डालेंगे। तो पूरा बैटर मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, आधा आधा करके मैं डालूँगी। तो आधा बैटर भर के एक रबर बैंड की मदद से हम उसे बांध लेंगे एकदम टाइट से, और अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, बूंदी बनाने के लिए जो जुगाड़ हमने बनाए थे, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी हम एक कोने से इसे बिल्कुल छोटा सा होल करेंगे कट करके। आप जितना छोटा सा कट करोगे, जितना छोटा होल रहेगा बूंदी आपका, उतना ही छोटा बनेगा। तो इसके हिसाब से आपको ध्यान से कट करना है, बहुत ही छोटा सा कट करना है। अभी हम यहाँ पे बूंदी फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो पहले हम क्या करेंगे ना, जिस पैकेट में हम बैटर डाल के भरे थे, उसे ऐसे कढ़ाई से थोड़ा सा ऊपर हाइट में रख के, उसे दबा के कंटिन्यूस ऐसे रैंडमली घुमाते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऐसे ऑयल में डालते जाओगे, आपका बूंदियाँ ऊपर आने लगेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको जो कोन को, जो इसमें भरे थे बैटर, उसे अच्छे से दबा के उसे रैंडमली आपको हाथ चलाना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरफ से एक ही डायरेक्शन में हाथ घुमाना है, आपको रैंडमली डालते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, बूंदी को हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई करने के लिए, बस एक मिनट में हमारा बूंदी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, हम उसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। तो फ्राई करते टाइम बूंदी से जब झाग आना बंद हो जाएगा, तभी हम उसे एक स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना परफेक्ट राउंड शेप का बूंदी बना है। यहाँ पे मैं और एक बार आपको बूंदी डाल के दिखाऊंगी तेल में। तो यहाँ पे स्लो रखा मैंने वीडियो, क्योंकि आपको अंदाज़ आ जाए कि बूंदी बनता कैसे है, नीचे से कैसे ऊपर आता है। तो आपको हाइट में थोड़ा रखना है हाथ को, मतलब कोन को तेल के ऊपर से थोड़ा हाइट में रखना है, और कंटिन्यूस इसे प्रेस करते हुए रैंडमली डालते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बूंदी से झाग आ रहा है। तो इस झाग जब बंद हो जाएगा, मतलब बूंदी से झाग आना जब बंद हो जाएगा, तभी आपको सारे बूंदी को तेल से निकाल लेना है। और एक बात की, आपको बूंदी फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम को लो से मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम में आप बूंदी कभी भी फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो बूंदी आपका जल जाएगी और मोतीचूर लड्डू का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड बैचेस का जो बूंदी है मैंने ऑयल से निकाल दिया है, और यहाँ पे देखिए, सारे जो बूंदी है मैंने फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हो, एक कप बेसन से कितने सारे बूंदी बन के रेडी हो गया, बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप का बूंदी बना है, और वो भी विदाउट झारा। तो घर की एक नॉर्मल सी दूध की पैकेट से भी आप बहुत ही परफेक्ट जूसी मोतीचूर की लड्डू बना सकते हो। तो अभी हम लड्डू के लिए चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कप लिया है चीनी, और उसके साथ आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है। एक कप बेसन में आपको एक कप ही चीनी लेना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तभी आपका जो लड्डू बनेंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेगी।
तो इसे अभी हम मेल्ट करेंगे, मतलब चीनी जब तक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब तक हम उसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अभी हम गैस का फ्लेम को यहाँ पे स्लो कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और ये लड्डू के लिए जो हम सिरप बना रहे हैं इसका कोई कंसिस्टेंसी एक या दो तरह का नहीं बनेगी, बस जब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी और ये थोड़ा सा चिपचिपा होने लगेगी तभी हम इसमें बूंदी ऐड करेंगे जो पहले फ्राई करके रखे थे। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अभी हम सारा बूंदी को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारा गैस का फ्लेम लो ही रहेगा, तो लो फ्लेम में हम उसे कुक करेंगे जब तक बूंदी अच्छे से गल ना जाए या फिर अच्छे से सॉफ्ट ना बन जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट के अंदर ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे बूंदी को ऐसे प्रेस करके, 1-2 बूंदी ऐसे हाथ में दबा के हम चेक करेंगे। बूंदी यहाँ पे थोड़ा कड़क लग रहा है, तो अभी हम इसमें 3 से 4 चम्मच और पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम लो फ्लेम में उसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे पूरे 2 मिनट हो गया है, मतलब पूरे 2 मिनट मैंने बूंदी को कुक कर लिया है लो फ्लेम में। अभी हम वापस उसे चेक करेंगे ऐसे प्रेस करके, 1 से 2 बूंदी लगे इसे हाथ में प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गल गई है, मतलब सॉफ्ट बन गई है। तो यहाँ पे हमारा बूंदी बिल्कुल रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये मिक्सचर हल्का सा भी ठंडा हो गया है, तो इसे अभी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ पे मैं काजू को छोटे छोटे टुकड़ा करके लिया है, आप जो खरबूज का बीज आती है वो भी ले सकते हो। तो साथ ही में मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए भी डाला है। तो यहाँ पे मैं बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट राउंड शेप का बूंदी बना है, एकदम जूसी बना है। तो सारे चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, फिर हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट लड्डू बना है, बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बना है। तो कोई बोल भी नहीं सकता है कि इस मोतीचूर लड्डू को हम बिना झरा के बनाए हैं या फिर एक नॉर्मल सी दूध की पैकेट से बनाए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे बहुत इजीली घर पे बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक दूध की पैकेट और एक नमक की पैकेट से आपका काम हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट मोतीचूर लड्डू बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे मोतीचूर लड्डू में मैं थोड़ा सा पाउडर पिस्ता ऊपर से गार्निश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 कप में से लगभग 1/2 किलो मोतीचूर लड्डू बना के रेडी किया है। यहाँ पे मैं एक आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये अभी हल्का गर्म है तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, 1 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस मोतीचूर लड्डू की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।